हेलो फ्रेंड्स, एसजी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग मल्टीमीटर पे काम करने वाले हैं, जो कि हमारी ये डिजिटल मल्टीमीटर है। तो ये हमारे डिजिटल मल्टीमीटर कैसे ख़राब हो जाता है, तो उसी के बारे में आज वीडियो हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि सब लोग मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीमीटर पे काम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो पहले तरफ आ जाते तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको डीसी पे सेट किया हूँ, ठीक है। अगर आप इसको डीसी पे सेट किए और अगर आप मल्टीमीटर के प्रूफ से आप अगर एसी चेक कर रहे हैं, तो ये आपका मल्टीमीटर एक सेकेंड में ख़राब हो जाएगा। तो पहला ये हो गया, ये मल्टीमीटर फ्रेंड्स तीन तरीके से ख़राब होता है। पहला ये हो गया, और दूसरे टिप पे से आ जाते हैं तो फ्रेंड्स ये दूसरा हो गया हम रेजिस्टेंस। अगर हम इसको रेजिस्टेंस पे सेट किए, अगर हम इसे 12 वोल्ट की बैटरी चेक कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये भी तब भी ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तीन तरह से मल्टीमीटर ख़राब होता है, जैसा कि मैंने बताया। और तीसरे तरफ आ जाते हैं तो मैं इसको कंटिन्यूटी पे रख सेट किया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इसको कंटिन्यूटी पे रखा हूँ, अगर कंटिन्यूटी पे आप इसे 12 वोल्ट की बैटरी चेक करें, चाहे डीसी चाहे कुछ भी आप चेक करें, तो ये आपका मल्टीमीटर एक सेकेंड में ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि ये मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है, तो ये उल्टा से मतलब कि उल्टा चेक करने से ही फ्रेंड्स ये ख़राब होता है। जैसा कि आप इसको डीसी पे रखे हुए, अगर आप एसी चेक किए तो ये ख़राब हो जाएगा। उल्टा सेट करने से ये ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी ख़राब। क्या ये मल्टीमीटर ख़राब होने के बाद बनता है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब है नहीं। तो इसका चलिए मैं आपको इसका अंदर का खोल के दिखा देता हूँ क्या ख़राब हो जाता है, तो इसलिए नहीं बन पाता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको आपको अंदर से खोल लेता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं इस मल्टीमीटर को ओपन कर लिया हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो हम लोग उल्टा चेक करने से डीसी से एसी जैसे कि चेक करते हैं, तो ये हमारा आईसी ख़राब हो जाता है, जो कि ये ब्लैक कलर का है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आईसी ख़राब हो जाता है, तो ये मार्केट में मिलता भी नहीं है और बन भी नहीं पाता है, क्योंकि इसमें पूरा सोल्डिंग किया होता हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आईसी ख़राब हो जाता है, मेन आईसी यही है। तो ये आईसी ख़राब होने के बाद ये बन नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स बहुत भाई लोग का कमेंट्स आता है कि भाई मेरा मल्टीमीटर ख़राब हो गया है। तो फ्रेंड्स ये पटकने से मल्टीमीटर नहीं ख़राब होता है। फ्रेंड्स देखिए मैं मल्टीमीटर पटक रहा हूँ, तो ये नहीं ख़राब होता। क्या होता है कि यहाँ से बैटरी आपका हिल जाता है। तो पहले के मल्टीमीटर में ऐसे ही आता था, जो स्प्रिंग टाइप में लगा होता था, बैटरी यहाँ से हिल जाता था। तो फ्रेंड्स ये मेरा न्यू मल्टीमीटर है, इसलिए अब इसमें वायर लगाकर हम लोग को कनेक्ट दिया रहेगा। तो आप मल्टीमीटर खरीदेंगे तो ऐसे ही रहेगा। तो फ्रेंड्स पहले क्या होता था, इस रिंग टाइप में लगा होता था, तो हमारा बैटरी हिल जाता था। तो बहुत भाई लोग को लगता था कि मेरा मल्टीमीटर ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड्स उस तरह से मल्टीमीटर नहीं ख़राब होता है, मल्टीमीटर बस उल्टा चेक करने से ख़राब होता है, जैसा कि अब मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इस तरह से ख़राब होता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं यदि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।